ज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विकास क्या है। विकास वह होता है जब हम उन्नति करते हैं या किसी क्षेत्र में हम कोई कार्य करते हैं और विकास करते जाते हैं, तो उसको हम विकास बोलते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि विकास क्या है, जब आगे भी हम देखेंगे तो विकास के अंतर्गत जब हम इसमें प्रगति अथवा धारणा, हमेशा हमारे बीच में क्या होता है क्योंकि एक धारणा बनी होती है, कई आकांक्षाएं होती हैं, कई इच्छाएं होती है जिसको पूरा करने के लिए हमें यह सब कार्य करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें विकास करना पड़ता है। जब हमें इच्छाएं और आकांक्षाएं होंगी, हम उसको पूरा करने के लिए जब हम कार्य करेंगे, तो वह एक विकास की ही प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भी यह नहीं कि जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान में भी पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे कि इस तरह से इसलिए क्योंकि यह अतीत से प्रभावित होते हैं। क्योंकि आप लोग देखोगे इतिहास में भी हम देखते हैं कि इंसान प्रगति कैसे हुआ, पहले चक्के का आविष्कार हुआ, चक्के से फिर उसने अनाज कैसे बोया, कैसे उसने विकास किया, धीरे धीरे उन्नति किया और फिर उन चीजों का प्रयोग करते करते वह विकास की ओर अग्रसर हुआ। पुराने लोग जो थे तो वह पहले इतने सक्षम थे कि उनको गाँव से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि व्यक्ति ही एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कर देता था। क्योंकि जैसे कि एक व्यक्ति को लोहे की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, किसान को अनाज की, लोहार को लोहार से लोहा से बनी चीजें, सुनार से सोने की चीजें, बढ़ई से लकड़ी की चीजें, इस तरह से एक दूसरे की आवश्यकता की चीजें आदान प्रदान होती थी, मतलब उस समय वस्तु विनिमय हुआ करता था। इस तरह से हम देखेंगे कि जब विकास हुआ तो किस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ। फिर आय और अन्य लक्ष्य, ये जो आय है, ये आय और अन्य लक्ष्य, सबसे पहले हम देखेंगे कि आय क्या है। आय वो है जो हम कार्य करके उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है, वह एक आय है। या उत्पादन करते हैं, किसान के पास तो आय आता नहीं क्योंकि वह उत्पादन करेगा तो अनाज के रूप में उसको प्राप्त होगा और अनाज को बेच के वह पैसा प्राप्त करेगा। आप तालिका में देखोगे बहुत सारी चीजें जो है, आप तालिका में भी आपको समझ में आएगी कि किस तरह से व्यक्ति उन्हें नियमित काम करता है, बेहतर मजदूरी करता है, उपज का उत्पादन करता है, उत्पादों के लिए अपना कार्य करता है, कीमतें भी अच्छी मिलनी चाहिए यदि हमने उत्पादन किया है तो। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम उत्पादन को बढ़ाकर अपने आय को या अन्य लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि हम यदि जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, हमें इतना उत्पादन करना है, इतना ये चीज करना है, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते। केवल यहाँ पर भौतिक और अभौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो है वह यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। जैसे भौतिक वस्तुएं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं, अभौतिक वस्तुएं जो हम आवश्यकता के आधार पर उनको परिवर्तित करके हम उसे उपयोग करते हैं। फिर आगे देखेंगे, यदि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यदि सबसे पहले अतिरिक्त और बहुत कारकों पर विचार जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सी सुविधाएं जो है, क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर मिलेंगे, दूसरी नौकरी यदि हमें चाहिए तो क्या वेतन कम मिलता है लेकिन नियमित रोजगार हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे कार्य चीजें होती है जो सोचने के लिए हमें आय और लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, यदि हमें काम की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि हम देखेंगे कि हमारी रुचि के अनुसार कार्य मिलेगा तो हम कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन यदि हमें रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा, कम वेतन मिल रहा है, तो हम उसको उतना ही कार्य करेंगे जैसा हमें करना है। तो ये सब चीजें जो हैं, इसी तरह से विकास के लिए लोग जब एक दूसरे मिले जुले, इसी तरह जब विकास करना है यदि हमें, तो लोग जब मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं और महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं, अगर महिलाओं का उनके लिए आदर है, उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाना है, ये सारी चीजें जो है वे एक तरह से विकास को बेहतर करने के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि लोगों को लक्ष्य जो है ये भिन्न भिन्न होती है। यदि किसान है तो उसको अनाज उत्पादन अधिक करना है, यदि उद्योगपति है तो उसको अपने उद्योग को विस्तार करना है और वस्तुओं को उत्पादन अधिक से अधिक करना है, और दूसरा यदि जो जिस कार्य को कर रहा है वह उसी कार्य को करने के लिए उसमें एक लक्ष्य निर्धारित करना है, कितना से हमको इतना उत्पादन करना है, इतना वितरित करना है, इतना उनकी मांगें पूरी करनी है। तो इसी तरह से संभव है कि किसी भी कक्षा में यदि उपयुक्त प्रश्न अलग अलग उत्तर दिए होंगे, क्योंकि बच्चों से जब हम पूछेंगे तो सारे लोग अलग अलग धारणाएं होंगी, लेकिन कई विचार ऐसे हैं बराबर महत्व दिया है, जैसे कि कई न्यायपूर्ण भी होंगी, कई सही भी होंगी, कई बेहतर तरीका भी होगा, मतलब हर किसी को सोचने का तरीका जो है वह अलग अलग होता है। हमें अपने उत्पादन को, अपने विकास की राष्ट्र में हम अपना योगदान क्या
दे सकते हैं। विभिन्न देश और राज्यों की तुलना हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वह देश जो है विकासशील है और कौन सा देश विकसितशील है और कौन अविकसित देश है, यह कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं कि व्यक्तियों की जो आय व्यक्तिगत आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उससे हम तुलना करके यह अनुमान लगाते हैं कि यह कौन सा देश विकासशील है, कौन सा विकसित है, कौन सा अविकसित है और कौन सा अभी विकास की ओर अग्रसर है। ये सारी चीज़ें जो है हम व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय प्लस राष्ट्रीय आय से ही हम इन सबसे पता कर सकते हैं। जैसे कि सामान्यतः हम देखेंगे हम व्यक्तियों की यह दो या महत्वपूर्ण विशेषताएं ये होती हैं कि उसके आधार पर ही हम तुलना करते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों के मित्र व्यवहार, सहयोग, भावना और रचनात्मक, इसके द्वारा हम यह देखेंगे कि किस तरह से हम तुलना कर सकते हैं। उसी तरह से हम जब देश की आय क्या है, उसके अंदर दृष्टि क्या है, देश की आय उन्नत है कि नहीं, निवासियों की आय क्या है, किस तरह से वह आय प्राप्त करना है, इस तरह से देखेंगे औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। मतलब वही चीज आ गई कि किस तरह से हम प्रति व्यक्ति आय किसे गए, औसत आय प्रति व्यक्ति आय का, क्योंकि जो कुल जनसंख्या जो होती है यदि हमारी औसत आय की तुलना हम करेंगे तो उसमें कुल जनसंख्या का जब हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। इस तरह से विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट जो है इस तरह से देशों का वर्गीकरण करने में आसान हो जाता है, जो कि प्रति व्यक्ति आय यूएस में 12.05 से प्रति वर्ष डॉलर है और जबकि आय यूएस में 995 प्रति वर्ष, तो इस तरह से कम है। इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से कौन सा देश जो है विकसित या विकासशील है। अब यहाँ देखेंगे आय और अन्य मापदंड, आय और अन्य मापदंड कैसे देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बहुत सारी चीजें ये दी हुई हैं, जैसे हरियाणा है, केरल है, बिहार की कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं। जैसे हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है, साक्षरता दर क्या है और उपस्थिति के अनुपात क्या है, इस तरह से हम यह जो है आय और अन्य मापदंड को हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर सामान्य शिशु मृत्यु दर जो थी वह किस तरह से समाप्त नहीं हो जाती। तालिका के अंतिम स्तंभ में दिखता है कि बिहार के समाप्त आधे से अधिक जो है आठवीं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ते पढ़ते अपने स्कूल छोड़ देते हैं और आधे में ही अपनी पढ़ाई समाप्त कर देते हैं या कम आयु में ही उनकी शादी कर दी जाती है। फिर सार्वजनिक सुविधाएं, जो सार्वजनिक सुविधाएं वह क्या है, सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं देखेंगे कि उसकी जेब में क्या रखा है या क्या नहीं, हमारे पास वस्तुएं होनी चाहिए, सेवाएं होनी चाहिए। यदि वस्तु है हमारे पास, सेवाएं हैं, खरीद सकते हैं, आपको एक बेहतर जीवन की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह आवश्यक है कि हमारे पास हमको बेहतर जीवन जीने के लिए हमारे जेब में कुछ होना चाहिए, हम कुछ उससे खरीद सकते हैं, तो उसके लिए हमें काम करना होगा, काम करने के लिए हमें आय प्राप्त करना होगा। इस तरह से हम अपनी जो है सार्वजनिक सुविधाएं हम जुटा सकते हैं। बिना सार्वजनिक सुविधाओं के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं के सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना, क्योंकि वस्तु और सेवाएं जो है एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके साथ ही वह अपने जीवन को बेहतर कर सकता है और इस तरह से अपनी बहुत सी सुविधाएं जो जुटा सकता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वह पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। यहां देखेंगे विकास की धारणीयता क्या है, विकास की धारणीयता मतलब विकास को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विकास जो है उसको हम परिभाषित करने के लिए कि विशेष तौर से हम देखेंगे कि ये काफी विकसित नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे कि स्तर जो ऊंचा हो, कम हो या भावी पीढ़ी हो, यह स्तर बना सकते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक एक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास को वर्तमान प्रकार से स्तर जो है वह धारणीय नहीं है। लेकिन हम आश्चर्यजनक यह भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह है HDI के परिकलन के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे सुधारों के लिए सुझाव दिए गए हैं। देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, कैसे करना है, स्वास्थ्य कैसे करना है, लोगों का कल्याण कैसे करना है, मानव विकास को मापने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए और विचार करने के पश्चात ही हम विकास को बढ़ा सकते हैं और विकास की धारणीयता को समझ सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे भूमिगत जल नवीनीकरण साधन, उदाहरण फसल पौधों की तरह साधनों को पुनः जो है
कुछ प्राकृतिक तत्व ऐसे होते हैं जिनको कि हम उन्हें हम कुछ साधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको कि हम बार बार उसको 2-3 बार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये गैर नवीनीकरण साधन, एक नवीनीकरण साधन होता है और एक गैर नवीनीकरण साधन होते हैं जिसको कि धरती एक निश्चित भंडार के रूप में हम पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। वह ऐसे भी कई साधन हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि उदाहरण की हम देखें जमीन में कच्चा तेल निकालते हैं, लेकिन वह क्या है, एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि इसे तेल ऐसा है कि एक बार हम उसका उपयोग कर लेंगे दोबारा उसको हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या है, समय की खोज जो है वह चलती रहेगी। फिर पर्यावरण में गिरावट में पर्यावरण राष्ट्रीय राज्य सीमाओं जो समाप्त हो रहे हैं, इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्यावरण गिरावट में राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं का ख्याल नहीं रखते हैं, देश का विषय नहीं है, विकास की धारणा तक तुलनात्मक स्तर से ज्ञान का नया क्षेत्र है। इस तरह से वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं और विकास की प्रगति के लिए वे अग्रसर हैं, और साथ ही साथ प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बनना है, लक्ष्य क्या है, इस तरह से विकास में बहस की जा सकती है। तीसरे से हम देखेंगे कि हम जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास को किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं।